नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम लेके आ चुके हैं मशरूम की खेती के ऊपर, मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम फार्मिंग के ऊपर छेवीं वीडियो यानी सिक्स पार्ट, जिसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं पैडी स्ट्रो मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर। जी हाँ, धान पुआल मशरूम को हम कैसे उगा सकते हैं उसके ऊपर दोस्तों बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, धान पुआल मशरूम को उगाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से आज जो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है बेड विधि यानी शैया विधि। बेड बनाकर हम कैसे उसको उगा सकते। दोस्तों, जो भी हमने जानकारी ली है ये खुम्ब अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है उसे ये जानकारी ली गई है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब विधि की बात करते हैं, शैया विधि या बेड विधि से हम कैसे मशरूम को उगा सकते हैं। पुराली मशरूम को यानी पैडी स्ट्रो मशरूम या वोल्वेरिला वोल्वेसिया इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम है। देखिए, पहला हमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए यानी हमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहले तो एक धान का पुआल चाहिए यानी पराली चाहिए, ठीक है। दूसरा बीज चाहिए मशरूम का, और तीसरा बैम्बू की स्टिक्स चाहिए जिससे कि हम बेड बना सके। चीजें हैं जो हमें चाहिए इसमें, ठीक है। अब पहला स्टेप है कि आपने सूखे और ताजे पुआल यानी पुआल हो सकता है 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पराली 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो सूखी होनी चाहिए और ताजी हो तो सबसे बेहतर है। तो उसके आपने बंडल बनाने हैं। अब बंडल, एक बंडल का साइज होना चाहिए 1 किलोग्राम कम से कम, ठीक है। अब उसकी जो मोटाई है वो 25 सेंटीमीटर हो सकती है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। आपने बंडल बना लिए, एक बंडल मान लो 1 किलोग्राम का बना लिया, और इसी तरह आपने कई बंडल्स बनाने हैं, ये आपको पता लग जाएगा कितने बंडल बनाने हैं। अब इन बंडल्स को क्या करना है, 24 से 36 घंटे तक पानी में भिगोना है आपने, उसको सोक करना है पानी में, ठीक है। अब आपने जब ये सोकिंग कर दी, उसके बाद जो भिगोए हुए बंडल है तो उसको आप बांस से बनी जो शैया है यानी जो बेड आपने बनाया है बांस से बना ईंटों से 1 फुट ऊंचा, मतलब बेड बना दिए यानी बांस की जो स्टिक्स हैं उनको रख दिया, जिससे जो बंडल्स हैं इनको उसके ऊपर रख सके। अब भिगोए हुए जो बंडल हैं इसके ऊपर आपने बेड के ऊपर रख दिए, या फिर आप इन बंडल्स को किसी सीमेंटेड सतह पर भी रख सकते हैं जो कि एक स्लोपिंग उसमें हो, जिसमें ढलान हो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इन बंडल से बाहर आ जाए एक्स्ट्रा पानी, ठीक है। अब जो आपने 1 फुट ऊपर बांस की शैया बनाई है जमीन की सतह से, उसके ऊपर जो ये सुखाए हल्के से सुखाए गए बंडल है उनको हमने लेयर्स में रखना है। अब कैसे, कि हमने 4 लेयर्स बनानी है और हरेक लेयर में 8 बंडल होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक 8 बंडल्स होंगे, 4 लेयर होंगी, मतलब 4 तहें होंगी और हरेक तह में 8 बंडल्स होंगे, आपको ध्यान से सुनना है थोड़ा, और हरेक तह में जो 8 बंडल हैं उसको हमने 4-4 बंडल के हिसाब से रखना है, यानी 4 बंडल एक तरफ रख दीजिए और 4 बंडल दूसरी तरफ विपरीत दिशा में रख दीजिए, तो इस तरह से एक तह बन जाएगी। और उसी तरह हमने 4 तह बनानी, यानी हरेक लेयर में 8 बंडल्स हैं, तो अगर 4 तह बनानी है तो 8 × 4 = 32 यानी 32 बंडल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपने स्पोनिंग कैसे करनी है, इसमें आपने बीज भी डालना है इन लेयर्स के बीच में, जब आप लेयर से लगा रहे होंगे हर एक लेयर के बीच में आपने बीज डालना है। अब बीज कितना डालना है वो बात आती है कि आपने कितने किलोग्राम पुआल इस्तेमाल किया है, जो सूखा हुआ पुआल था आपने कितने किलोग्राम इस्तेमाल किया। मान लो आपने 32 बंडल्स इस्तेमाल किए थे तो हर एक बंडल का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है, तो 32 किलोग्राम हो जाएगा टोटल जो आपने पुआल इस्तेमाल किया है एक बेड को बनाने के लिए। तो 32 किलोग्राम का अगर आप 1.5% कर दें, 1.5%, 1.5% की दर से आपने स्पोन इस्तेमाल करना है, 1.5% सूखे हुए पुआल के बाहर का, यानी अगर 32 किलोग्राम अगर आपने इस्तेमाल किया है सूखा हुआ पुआल या पराली, तो उसका 1.5% हो जाएगा 0.48 किलोग्राम यानी 480 ग्राम। अब ये स्पोन की क्वांटिटी आगे की बीज आपने कितना डालना है, ठीक है। अब कैसे डालना है और उसके साथ में क्या चीज डालनी है, क्या करना है कि आपने जो बीज डालना है वो 10 से 15 सेंटीमीटर बंडलों की जो सतह है वहां बाहर से आपने 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर की ओर मिलाना है, यानी बाहर से आपने 10 से 15 सेंटीमीटर थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, फिर उसके अंदर जो जगह बची वहां पे इसको बीज को फैला देना है अपने हाथों से, और उसके साथ में आप 200 ग्राम बेसन भी इस्तेमाल करेंगे। और जो ये 200 ग्राम क्वांटिटी आपको बताई है, और जो 200 ग्राम बेसन आपने लेना है या पल्स फ्लोर लेना है, ये आपने 0.5% लेना है, जितना पराली आपने ड्राई पराली इस्तेमाल करी है यानी 32 किलोग्राम का 0.5% आप देख लीजिए कितना होगा, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना आपने बेसन लेना है। तो अभी हमने अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम बेसन एक बेड में डालना है, यानी 200 ग्राम
चार लेयर्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आएगा, यानी 50-50 ग्राम। ठीक है, तो ये आपने अब उसमें डाल दिया लेयर्स के बीच में बेसन, ठीक है, बेसन और साथ में स्पॉन या बीज आपने फैला दिया। बीज मिलाने के बाद या उपरांत तो बंडलों को आपने थोड़ा सा, बंडलों की जो शैया है जो आपने बेड बनाया है उसको थोड़ा सा दबा दें, थोड़ा सा हल्का दबाकर, और पॉलिथीन शीट से उसको आप ढक दें। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा कि 8 से 10 दिनों में जो बीज है वो पूरे पोषण आधार में फैल जाएगा, यानी पूरा जो आप सरफेस है उसमें वो फैल जाएगा, यानी उसके माइसीलियम की ग्रोथ हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि ये जो स्पोन है फैल गया है। अब उसके बाद पॉलिथीन शीट को आपने हटा देना है 8 से 10 दिनों के बाद। ठीक है, अब पॉलिथीन शीट को हटाने के बाद 3-4 दिन के पश्चात, यानी 3-4 दिन का वेट कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा कि शैया से, बेड से मशरूम की कलिकाएं दिखाई देने लगती हैं, यानी पिन हेड्स स्टेज जो होती है मशरूम की वो आपको दिखाई देने लग जाएगी, जो कि और 1-2 दिन बाद बढ़कर अंडे का आकार ले लेते हैं, यानी एग स्टेज आ जाती है, अंडे जैसा आपको दिखने लग जाएंगे, है ना। और इसी अवस्था में हमें इसकी तोड़ाई करनी होती है या पिकिंग करनी होती है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी बात है, ये मेथड है शैया विधि या बेड विधि, जिससे कि आप पराली मशरूम को उगा सकते हैं। और मौसम आपको बता दिया है, अप्रैल से अगस्त में इसको आप उगा सकते हैं, यानी 1 महीने की ये सारी फसल होगी। और इस तरह से आप 4 बार इसकी फसल ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम किया है। तो ये शैया विधि है। आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में हम अगली विधियां भी डिस्कस करेंगे, आपको ये सपोर्टिव लगता है। दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट करें, और अगर आपकी कोई खेती से रिलेटेड कोई अन्य समस्या है या प्रॉब्लम है तो जरूर आप लिख दें, कमेंट करिए, तभी हमें जानकारी प्राप्त होगी कि आपको इन वीडियोस से कोई सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप कुछ भी कमेंट कर दीजिए, हिचके मत। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपके किसी अन्य मित्र की भी सहायता हो सकती है तो जरूर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।